तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र हैं जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी के सेकेंड पेपर के सिलेबस के बारे में, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप परीक्षा 2023 और 24 के सेशन में देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी और जो प्रश्न पत्र है पेपर का नाम है हिंदी राष्ट्रकाव्य, और ये है सेकेंड पेपर यानी हिंदी का, मतलब बीए फिफ्थ सेमेस्टर में पर सब्जेक्ट के दो पेपर होंगे, ठीक है। वो चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो सभी पेपर के दो दो पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर के बारे में मैंने सिलेबस पहले कवर कर रखा, आज हम बात करेंगे सेकेंड पेपर के बारे में जिसका नाम हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो जितने भी क्वेश्चन और जितने भी पूरा का पूरा सिलेबस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य से जुड़े होंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के आप सभी की जब भी परीक्षा होगी तो उसमें जो प्रश्न आएंगे वो हिंदी राष्ट्रीय काव्य से ही जुड़े आएंगे। तो पूरा मामला हम आपको समझाते हैं और बहुत ही अच्छी भाषा में, और आप अच्छे समझ जाएंगे जिससे आप लोगों को कभी भी कोई फेल नहीं कर सकता। और आप अच्छे से, अगर आपको टॉपिक्स के बारे में मालूम रहेगा तो आपको प्रश्न का उत्तर देने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो 8 यूनिट में डिवाइड है, तो सेम उसी तरह इसका भी 8 यूनिट में डिवाइड है। तो पहला यूनिट है, ठीक है, पहला मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं यूनिट के बारे में, तो समझेंगे उसके पहले जान लेते हैं कि हिंदी का राष्ट्रीय काव्य है क्या, इस प्रश्न पत्र जो इसका नाम है इसका मतलब क्या है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। तो सिंपल शब्द में बोले तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, ठीक है, तो जितने भी राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है, वो अपने काव्य में देश प्रेम व स्वतंत्रता के उत्कट भावना की अभिव्यक्ति दी है। यानी कि जितने भी कवि हैं हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा के, वो सभी कवियों ने अपनी रचनाओं में, अपनी काव्य रचनाओं में देश के प्रति, यानी कि देशभक्ति के प्रति, देश के प्रेम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, देश के हित में उन्होंने कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां, ठीक है, लिखी हैं जो देश के लिए है और देश के, आप लोग कह सकते हैं देश प्रेम के लिए है, देशभक्ति के लिए है, या फिर देश को समर्पित है। कुछ बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी राष्ट्रीय काव्य को लेकर बहुत रचनाएँ रची हैं, जिसमें उन्होंने देश प्रेम के बारे में, देश हित के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, देश प्रेम के प्रति उन्होंने बहुत सारी जागरूक चीज़ें उत्कृष्ट की हैं, जिनको आपको इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल शब्द में बोलें तो इसमें वो सारे आपको सिलेबस देखने को मिलेंगे कि कौन से काल के, कौन से कवियों ने किस रचना के माध्यम से देश के प्रति प्रेम की भावना को दिखाया है। महत्वपूर्ण टॉपिक से ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका यूनिट नंबर 1 जो कि वीर गाथा काल व राष्ट्रीय काव्य। तो वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य का मतलब क्या हुआ ये आप जानिए पहले, ठीक है। तो वीर गाथा एक काल हो गया, ठीक है, एक समय था जिसको वीर गाथा काल कहा जाता था, ठीक है। उस काल के जो कवि थे, जैसे कि चंद्र बरदाई, वीर गाथा काल के कवि थे चंद्र बरदाई, ठीक है। तो चंद्र बरदाई ने अपनी रचना के माध्यम से, अपनी पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, देश के प्रति या फिर देश के लिए उन्होंने उस रचना में देश के बारे में और देश के प्रेम के बारे में उन्होंने वो चीज़ें बताई हैं, जिससे ये साबित हो चुके कि हाँ किसी के अंदर देशभक्ति है, देश प्रेम है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ठीक है। तो वीर गाथा काल में चंद्र बरदाई जी ने अपनी रचना में, अपने पंक्ति में देश हित के बारे में वर्णन किया है, वही आपको पढ़ना पड़ेगा और वही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है। तो चंद्र बरदाई जी की जो प्रमुख रचना है जिसका नाम है पृथ्वी राज रासो, तो इस सिलेबस में आपका जो बीए का जो ये फिफ्थ सेमेस्टर है हिंदी का सेकेंड पेपर है, इसमें पृथ्वी राज रासो का आपका सब जो सिलेबस है या फिर टॉपिक्स है ये इंक्लूडेड है, इसमें इफ़ी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पृथ्वीराज रासो से जुड़े, ठीक है। तो इसका उत्तर थोड़ा मैं आपको बता दे रहे हैं, चंद्र बरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वी राज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान, ठीक है, सम्मान प्राप्त है, ठीक है। यानी कि हिंदी की एक तरीके से इनकी ये
पहली रचना थी जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज दासु हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं, ठीक है, 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज राफो जो कि चंद्र बरदाई जी की रचना है, ठीक है। तो इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, चंद्र बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज राफो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ देखे पंक्ति हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसी काल के कवि हैं जगनिक, ठीक है। तो इनकी रचना है आल्हा कांड। तो जगनिक जी जो हैं ये वीरगाथा काल के कवि हैं। इन्होंने देश के, ठीक है, देश के लिए या फिर आप लोग कह सकते हैं कि हिंदी के लिए, हिंदी राष्ट्र काव्य के लिए इन्होंने कुछ रचनाएं रखी हैं हिंदी भक्ति के लिए, जो कि जगनिक के प्रमुख वो हैं, क्या रचनाकार हैं, कवि हैं। और आल्हा खंड रचना के माध्यम से इन्होंने देश के प्रति प्रेम की भावना को दिखाया है, ठीक है। तो जगनिक की जो ये मतलब कि रचना है जिसका नाम है आल्हा कांड, ठीक है। तो आल्हा कांड नामक ग्रंथ की रचना की है किसने, जगनिक ने, ठीक है, जिसे लोक में आल्हा नाम से प्रसिद्धि मिली, ठीक है। इसे जनता ने इतना अपनाया और भारत में इसका इतना प्रचार प्रसार बहुत ही हुआ, ठीक है, जिसको लोग आप लोग जानते हैं महोबा के आल्हा उदल को नायक मानकर, यानी कि महोबा के जो आल्हा थे और उदल को नायक मानकर इन्होंने, ठीक है, आल्हा कांड नामक ग्रंथ की रचना करी है, ठीक है, जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली है आल्हा नाम से। तो ये राज का परिचय, बाकी इनकी कुछ और पंक्तियाँ हैं जिनसे जुड़े आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सब आल्हा से जुड़े ही पंक्तियाँ हैं इसमें, ओके। चलिए, ये यहाँ पर कवर होता है आपका फर्स्ट यूनिट। अब आ जाएंगे सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट में आपका आ जाएगा भक्ति एवं रीत काल का राष्ट्रीय काव्य। तो भक्ति काल के और रीत काल के जो कवि थे, ठीक है, इन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ रचनाएं रची हैं, ठीक है, राष्ट्र काव्य जिसको बोला जाता है, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्रहित में इन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं। भक्ति काल के कवि और रीत काल के कवि हैं, ठीक है, जिनका नाम है गुरु गोविंद जी। तो गुरु गोविंद जी ने इनकी पंक्ति है और इनकी रचनाएं भी हैं, इन्होंने अपनी रचनाएं और पंक्तियों के माध्यम से राष्ट्रीय काव्य के बारे में बताया है कि जिसके नाम है देहु शिवा वर मोहि इहे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ के चंडी चरित्र में स्थित एक शब्द है, इसमें गुरु जी चंडी की अस्तुत करते हुए उनसे वरदान मांगते हैं कि मैं कभी भी शुभ कर्मों को करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये शब्द ब्रज भाषा में है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें देश के हित के बारे में बताया है और बाकी और भी इसमें पंक्ति है, जैसे कि बाण चले कोई, ठीक है, कुमकुम मानो यो सुनी कि बतियानते हैं कि, तो ये सब देश हित के लिए हैं, राष्ट्र काव्य हैं, ठीक है। और वहीं पर अगले का भी है जिनका नाम है भूषण, ठीक है, जिनका क्या नाम है, भूषण। तो इनकी रचना है जिसका नाम है इंद्र जिमी जंभ पर, ठीक है। ये इनकी पंक्ति है, काव्य पंक्ति है, ठीक है, जिसके रचनाकार भूषण जी जी हैं, ठीक है। इन्होंने इसमें यही मतलब कि देश के प्रति जो इनकी प्रेम की भावना है, देश के काव्य है, उसके राष्ट्रीय काव्य है, उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। बाने फहराने निज म्यानते मुखे दारुण दाहत हरना कुश बिदा रवि, ठीक है। तो इन्होंने पंक्तियों के माध्यम से बताया है। कुछ कवि हैं जिन्होंने रचनाओं के माध्यम से बताया है और कुछ कवि ऐसे हैं रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से, ठीक है, अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय काव्य के बारे में बताया है, ठीक है, ओके। चलिए अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 3 पे, जिसमें आपको कुछ कवि देखेंगे भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु एवं द्विवेदी युग, यानी कि भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग, ठीक है। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग जो है ना, ये राष्ट्रीय काव्य के लिए समर्पित है और इसमें जो कवि कुछ कवि हैं, ठीक है, और उन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं जो कि राष्ट्रीय काव्य की हैं, राष्ट्रीय हित में हैं, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है, जैसे कि भारतोंद हरिश्चंद्र जी ने बताया है, इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, ये सारी पंक्तियाँ हैं, इनसे जुड़े प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। और अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इन्होंने
अपनी रचना कर्मवीर के माध्यम से बताया है। कर्मवीर में ये बताया गया है कि इस कविता में कर्मवीर को नए तरीके से या फिर नए तरीके से परिभाषित करते हुए मनुष्य के जीवन के प्रति नज़रिए को बदलने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यानी कि जो मनुष्य का जो नज़रिया है, जो आप लोग देखते हैं कोई का मन तुरंत भटक जाता है, नज़रिया दूसरे तरीके से देखते हैं, तो उसको बदलने के लिए इन्होंने इस रचना को रचा है। ठीक है, और लोग सदैव ही सुखी रहते हैं। आगे कवि कहता है कि ऐसे लोग किसी भी काम को कल के लिए नहीं छोड़ते हैं, जो एक बार सोच लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोग कभी अहंकार नहीं करते और सबकी सलाह को सुनते हैं। ये इन्होंने कर्मवीर रचना में बताया है। ठीक है, तो ये है इसके बारे में परिचय। तो इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें मतलब कि कर्मवीर रचना में लोग सदैव सुखी रहते हैं और आगे कभी कहता है कि लोग किसी भी काम करने को मतलब किसी भी काम के लिए कल को नहीं टालते, वो काम उसी दिन कर देते हैं। ठीक है, कोई भी काम हो, और सलाह लेते हैं और अहंकार नहीं करते हैं। तो ये इसके बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगले जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी रचना है आर्य है और मातृभूमि है। तो मातृभूमि के बारे में बताएंगे। तो मातृभूमि का राष्ट्रीय काव्य के लिए किस प्रकार योगदान के लिए काबिल है, या फिर योग इसके लिए मतलब कि राष्ट्रीय काव्य के लिए किस प्रकार इसका योगदान है। ठीक है, राष्ट्र के हित में मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मातृभूमि। तो कवि मातृभूमि यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है, या वह अपनी मस्तक गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहता है। कभी अपने गांव द्वार घर आंगन आज सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है। तो इस जो मातृभूमि का जो सिंपल सा अर्थ यही है कि मन, ठीक है, मात्र यानी कि माता के लिए, ठीक है, मातृभूमि धरती माता के लिए, ठीक है, तन मन से सब कुछ समर्पित कर देना चाह रहा है, ठीक है, देश की धरती के लिए। तो ये बताया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो देखिए, ये भी देश के प्रति के लिए मतलब कि देश भावना के लिए है, देश प्रेम के लिए है, ये भी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो जो कवि हैं, देखिए जो जो कवि हैं वो कौन से काल के हैं और कौन कौन से कवि हैं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, उनकी क्या पंक्तियां हैं देश के हित के लिए, देश के प्रेम के लिए, राष्ट्रीय हित में, ठीक है, वही के बारे में इस पूरे के पूरे सिलेबस में है। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कबीरदास तो आपको नहीं दिख रहे हैं, तो शायद कबीरदास जी ने राष्ट्रीय काव्य के बारे में नहीं ध्यान दिया होगा, या फिर उसके बारे में नहीं चर्चा की होगी, इसलिए उनका नाम नहीं है। ठीक है, तो वही कवि इसमें शामिल है जो राष्ट्र के प्रति अपने रचनाओं में जिस युग के हैं उसके माध्यम से कोई ना कोई संदेश या फिर कोई ना कोई बात कही है। ठीक है, तो वही कवि इसमें शामिल है और वही काल इसमें शामिल है। ठीक है, जैसे कि भारतेंदु युग इसमें शामिल है, ठीक है, और आप बहुत सारे छायावाद युग शामिल है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा यूनिट नंबर फोर में आपके छायावाद के कुछ कभी आएंगे। ठीक है, छायावाद युगीन राष्ट्र काव्य, तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन्होंने सब रचनाओं में तो इसके बारे में राष्ट्रीय काव्य के बारे में बताया नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय काव्य हैं, राष्ट्रीय काव्य वाली रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, वही यहाँ पर प्रस्तुत हैं, वही पंक्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत हैं, वही कविताएँ यहाँ पर प्रस्तुत हैं जिसमें राष्ट्रीय काव्य और देश प्रेम के प्रति बात कही गई है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रायण गीत है, ठीक है, हिमाद्र तुंग श्रृंग है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इन्होंने मधुमय देश हमारा पंक्ति में, एक पंक्ति है इन्होंने इसमें, देश प्रेम की भावना का गीत है ये। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय भावना एवं सांस्कृतिक गौरव की भी अभिव्यक्ति हुई है। गीती छंद में रचित यह कविता भारतवर्ष की महिमा का गान है। ठीक है, तो ये इस पंक्ति में कुल मिला के राष्ट्रीय भावना एवं सांस्कृतिक गौरव की जो मतलब कि भावना है उसी के बारे में अभिव्यक्त किया गया है, और देश प्रेम की भावना का गीत है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, अब आएगा भारत वंदना कविता का सारांश, यानी कि जिनकी रचना है, जिनके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी रचना है भारती वंदना, एक कविता है। ठीक है, भारती वंदना, तो भारती वंदना में इन्होंने कहा है, यानी कि
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कि इस कविता के माध्यम से हर भारतवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने जो इनकी रचना भारत वंदना है, सॉरी भारती वंदना है, इन्होंने इसके माध्यम से ये कहा कि हर जो भारतवासी है, हर जो इंडियन है, ठीक है, उसको अपनी जो मातृभूमि है यानी कि अपनी जो भारत माता है, ठीक है, और अपनी जो मातृभूमि है, ठीक है, धरती माता है, उसके प्रति हर कर्तव्य निभाने के लिए लोगों को उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि हाँ आप इसको माने और ये देश है अपना और इसमें की जो धरती है वो हमारी माता है, उसके बारे में इन्होंने प्रेरित किया है। ठीक है, और कवि कहता है अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करना और उसके सम्मान के लिए अपना ठीक है सर्वस्व अर्पण कर देना ही हर देशवासी का कर्तव्य, यानी कि मातृभूमि के लिए वो पूरी तरह पे मतलब को स्वतंत्र करना, यानी कि मातृभूमि को हर तरीके स्वतंत्र कर दे, उसको कोई भी ठेस ना पहुँचे और उसके सम्मान के लिए अपने आप को समर्पण कर दे, ठीक है, वही होता है देशवासी का कर्तव्य, हर देशवासी का कर्तव्य, ये इन्होंने बताया है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी, इनकी जो रचना है पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ठीक है, इन्होंने इसमें बताया है यानी कि पुष्प की अभिलाषा में कि माखन लाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता में जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प के माध्यम से देश के युवाओं तथा लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करने का प्रयास किया है। किसके माध्यम से? पुष्प के माध्यम से, ठीक है, पुष्प के माध्यम से जो देश के युवा हैं, जो लोग हैं, इंसान हैं, आप हैं, हम हैं, छात्र हैं, ठीक है, तथा लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करने का प्रयास किया कि हाँ आप देशभक्ति को अपनाइए, देशभक्त बनिए, ठीक है, देश के लिए आप लोग कुछ भी करिए, ठीक है, और देश को स्वतंत्र रखिए और इसकी रक्षा करिए, ठीक है, यही होता है इसकी मतलब कि हर भारतवासी का जिम्मेदारी, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। और कवि कहता है कि फूल की अभिलाषा है कि वह किसी सुंदर स्त्री के बालों का गजरा नहीं बनना चाहता है, ना ही वह या चाहता है कि किसी राह के सौ पर चढ़ाया जाए। तो वही इसके बारे में मतलब कि इस जो इनकी कविता है ये कुल मिला के ये देश के हित में है, देश प्रेम में है, ठीक है, और युवाओं को उन्होंने ऐसी इस मतलब कि इस कविता के माध्यम से और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, ठीक है, कि देश के प्रति ही रहिए। और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने अपनी रचना जैसे कि वीरों का कैसा वसंत, ये भी इनकी रचना है और झांसी की रानी भी है, ठीक है, तो उन्होंने झांसी की रानी के को लेकर इन्होंने कहा है देश के प्रति कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा है झांसी की रानी जो है ना वो हिंदी भाषा की जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा लिखी गई है झांसी की रानी, ठीक है, और कविता का जो मुख्य विषय है वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ठीक है लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी बाई और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया युद्ध, उसी के बारे में इस रचना झांसी की रानी में बताया गया है, ठीक है, तो ये रहा आपका परिचय, ठीक है, और डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में आपको पूरा कवर कराएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ये सिलेबस है, इसमें तो हम यही बताएंगे आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आपको तैयार करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में भी हम आपको क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं सिलेबस इसके बारे में आपको हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही सके। बाकी जो आपका फिफ्थ नंबर है, ठीक है, यानी कि पंचम सेमेस्टर है, इसमें आपका आ जाएगा छायादोत्तर राष्ट्रीय काव्य, यानी कि छायादोत्तर जो युग के कवि हैं उन जो राष्ट्रीय काव्य मतलब कि छायादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के जो कवि हैं जैसे कि बाल कृष्ण शर्मा जी हैं, इन्होंने अपनी पंक्ति अपनी रचनाओं के माध्यम से देश के प्रति क्या बताया है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, इनकी पंक्तियों से उनकी रचना से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, श्याम लाल गुप्त से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, राष्ट्रीय काव्य से जुड़ा क्वेश्चन होगा। अगला मतलब कि यूनिट है समकालीन राष्ट्रीय काव्य प्रथम चरण में श्याम नारायण पांडे जी की रचना और इनकी पंक्तियाँ जो उनसे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी से आएगा, गोपाल प्रसाद व्यास जी से आएगा, इनकी रचना है कोनी हस्ताक्षर, इससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और अगली आपकी यूनिट है लास्ट की समकालीन राष्ट्रीय काव्य द्वितीय चरण है, ठीक है, तो राष्ट्रीय काव्य द्वितीय चरण में सोहनलाल द्विवेदी जी की जो रचना है मातृभूमि, ठीक है, तुम्हें नमन चल पड़े जिधर दो डगमग, तो ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, उनकी जो रचनाएँ हैं इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो लगभग फ्लेवर्स मैंने आपको कवर कराया, बस आपको इंतजार करना है क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को, जैसे ही क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज तैयार होगी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, और इस मतलब सिलेबस को प्राप्त करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।